हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग। मैं हूं अरविंद चौधरी और आप देख रहे हैं C++ प्रोग्रामिंग सीरीज। और पिछले सेशन में हमने बात की थी इनुमरेशन के बारे में। आज हम बात करेंगे मैथ लाइब्रेरी के बारे में। बेसिकली मैथ लाइब्रेरी जो है वो सी और C++ की इनबिल्ट लाइब्रेरी है, जिसमें बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शन होते हैं, जस्ट लाइक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, साइन, कॉस, टेन, कोसाइन, कॉसेक एंड कॉट फंक्शन, या फिर कुछ अदर फंक्शन जस्ट लाइक सेल, फ्लोर, एब्सोल्यूट, SQRT, पावर। तो ये इस तरह के फंक्शन होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस लाइब्रेरी को यूज़ करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी और उस हेडर फाइल का जो नाम है math.h, उस तो इसको इस टाइप से हम इंक्लूड करेंगे। देन हम फिर क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन होता है सेल। सेल फंक्शन क्या करता है कि जो भी उसके आसपास की मैक्सिमम वैल्यू होगी, डेसिमल वैल्यू, वो देता है। सपोज यहाँ पर इस फंक्शन में एक फंक्शन लिखता हूँ, यहाँ पर सेल फंक्शन, और इसमें मैं सपोज देता हूँ 3.6। तो इसके आसपास की कौन सी वैल्यू, डेसिमल वैल्यू होगी, या तो 3 होगी या 4। तो ये इसके पास की जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी, अब इसके पास की मैक्सिमम वैल्यू 4 है, तो ये हमें क्या देगा, 4 वैल्यू प्रोवाइड करेगा। तो ये आप देख सकते हैं, इसने हमें आउटपुट दिया 4। मैं अगर इसको 3.2 लेता हूँ तब भी ये हमें क्या देगा, 4 ही देगा। मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ एंड लाइन, सेम इसे भी हम कर देते हैं एंड लाइन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 4। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक और फंक्शन आता है, वो आता है फ्लोर। फ्लोर क्या करता है, यहाँ पर फ्लोर जो भी मिनिमम वैल्यू होगी वो प्रोवाइड करता है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 3। तो यहाँ पर हम लिखते हैं फ्लोर। तो ये क्या करता है, जो भी मिनिमम डेसिमल वैल्यू, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनिमम इसकी क्या है। अब हम एक और कोई ले लेते हैं, सपोज यहाँ पर मैं 3.8 ले लेता हूँ, तब भी हमें मुझे देगा 3। देन नेक्स्ट एक फंक्शन आता है SQRT। ये क्या करता है, ये किसी भी वैल्यू का स्क्वायर रूट प्रोवाइड करता है। सपोज मैं यहाँ पर लेता हूँ 25। अब 25 का जो हमारे पास स्क्वायर रूट होगा, SQRT, 25 का स्क्वायर रूट होगा हमारे पास 5, तो ये हमें देगा वैल्यू 5। सिमिलरली अगर हम और कुछ वैल्यू ले लेते हैं, मैं ले लेता हूँ 16, या मैं 36 ले लेता हूँ, 36 का जो स्क्वायर रूट वो आना चाहिए 6। देन नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शन होगा वो है पावर। तो ये क्या करता है, किसी भी वैल्यू की पावर। तो यहाँ पर हमको दो पैरामीटर पास करने होते, सपोज मैं 2 दी पावर 3 क्या होगा हमारा, 2 × 2 × 2 मीन्स 4 and 8। तो ये हमें क्या वैल्यू देगा, 8। सिमिलरली अगर मैं 3/3 करूंगा, मीन्स यहां पर मैं इसको पास करता हूं 3, तो ये हमारा वैल्यू आना चाहिए 27। तो यहाँ पर ये हमें 27 दे रहा है। देन नेक्स्ट एक और फंक्शन है हमारे पास एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट फंक्शन क्या करता है, किसी भी वैल्यू की एब्सोल्यूट वैल्यू मीन्स उसका मॉड्यूल प्रोवाइड करता है। सपोज अब हम उसमें माइनस वैल्यू प्रोवाइड करते हैं तो भी हमें क्या करेगा, पॉजिटिव वैल्यू, मीन्स हमेशा वो क्या करेगा, पॉजिटिव वैल्यू ही प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, मैं इसमें डाल देता हूं -10 एब्सोल्यूट। तो ये हमें, सॉरी यहां पर मैंने इसको
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने थ्री माइनस टेन किया था, मीन्स हमारी वैल्यू क्या आना चाहिए था, माइनस सेवन, बट इसने हमें क्या दिया, प्लस सेवन। मीन्स ये हमेशा क्या करता है, पॉजिटिव वैल्यू ही प्रोवाइड करता है। तो ये थे हमारे कुछ मैथ लाइब्रेरी के फंक्शन। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।